हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय कंटेंट माय वे। और मैं हूँ अनुभा और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो इस फेस्टिवल सीजन में आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। हाँ, पर ये वीडियो थोड़ा लेट आया है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और वीडियो क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। वीडियो है कि मैं आपके लिए रैंडम ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जो आप दिवाली डेकोरेशन के लिए अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोकल मार्केट से सब जगह से परचेज़ की हैं। तो एक रैंडम वीडियो होने वाला है, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन ना मिले, कुछ चीज़ें मेरे बताए हुए रेट से ज़्यादा मिले, तो वो डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप अगर ये चीज़ें लेना चाहते हैं और तो आप जल्दी से जल्दी ले सकते हो, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये होम डिलाइट का ये ऐसी राइस लाइट। सो ये राइस लाइट ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप कैंडल्स के अंदर रख के जला सकते हो, तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे ऑन हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे ऑफ हो जाती हैं। तो मैं आपको इसके अंदर रख के दिखा देती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये यही वाली राइस लाइट है, मैंने इसके अंदर इसको सेट कर दिया है। बस आप इसको कहीं हैंग कर दीजिए तो देखो कितना सुंदर लुक आ रहा है। ये कितनी सुंदर लग रही है ना ये लैंटर्न्स। तो ये राइस लाइट ना बहुत ही यूज़फुल है छोटी छोटी लैंटर्न्स में। अगर आपके पास लैंटर्न्स भी नहीं है तो आप किसी भी बॉटल के अंदर इन राइस लाइट को डाल के और रख सकते हो, वहाँ पे उसमें भी बहुत सुंदर लुक आता है। कोई भी बियर बॉटल है या कोई कलरफुल बॉटल है अगर आपके पास, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, इवन वाइट कलर की भी, तो उसमें भी इनका लुक बहुत सुंदर आता है। तो ये जो राइस लाइट है ना, मैं 2-3 बार सोच रही थी मंगाने की लेकिन मैंने मंगवाई नहीं थी, तो इस बार मुझे मंगवाई है और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने ये 4 मंगवाई है, 2 मैंने यूटिलाइज कर ली हैं और 2 मेरे पास अभी थी आपको दिखाने के लिए, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया, बहुत यूज़फुल चीज़ है। और ऐसी लालटेन ना अगर टी लाइट जलाते हैं तो ख़राब भी हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल लगी मेरे को। आप जला के किसी भी कोने में रख दीजिए, साथ में बहुत सारे फ्लावर्स रख दीजिए तो बहुत सुंदर सा लुक आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है टाइड रिबन्स का, ठीक है। और उसमें ना टाइड रिबन्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसे दिवाली डेकोरेशन के लिए और अदर डेकोरेशंस के लिए भी, बट मैंने बहुत ज़्यादा तो परचेज नहीं किया क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों की, मेरे पास काफ़ी सामान था। तो मैंने ये 2 मंगाए हैं ब्रास के लैम्प्स। और पास से देखिए, ये लैम्प्स बहुत सुंदर है। उन लैम्प्स के कंपैरिजन में ये 149 रुपीज़ में मुझे दोनों मिले हैं, पर उन लैम्प्स के कंपैरिजन में इनका वेट भी ज़्यादा है, इनका डिज़ाइन सुपर फाइन है और क्वालिटी भी सुपर फाइन है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं घर में पूजा के लिए, मैंने तो इनको डेकोरेशन के लिए ही मंगाया है, भगवान जी के मंदिर को डेकोरेट करने के लिए, और आप अगर ढूंढ रहे हैं डेली पूजा के लिए भी ना, तो भी ये बहुत बढ़िया है। खूब मोटे मोटे हैं, आप रोज़ इनको धोइए, साफ कीजिए, ख़राब नहीं होने वाले हैं, बहुत ही सुंदर हैं देखिए। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, और जिसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है मेरी गलती की वजह से क्योंकि मैंने इसका रिप्लेसमेंट चेक नहीं किया। और इसमें से ये 3 का पैक था और ये ब्रोकन आई हैं 2। मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह ब्रोक हुई हुई है, तो सब मिक्स हो गई हैं, तो मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ। ये 189 में मुझे 3 का सेट आया बट मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 189 का 2 का सेट लगा लो आप। और ये ना प्रॉपर्ली ढक्कनदार हैं, ये प्रॉपर्ली ढक्कनदार हैं, तो जितनी आपकी जले जले उसके बाद आप इसे क्लोज करके, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, बाद में आप इसे अच्छे से बंद करके रख सकते हैं। तो अच्छी तो हैं बट मुझे नुकसान यही हुआ कि मेरे को 1 ब्रोकन आई है और 2 बिल्कुल सही आई हैं। तो ब्रोकन वाली मैं आपको दिखाऊं कैसे, ऐसे दिखाऊं, ये देखो गिरी ना वो, तो ये ऐसे ब्रोकन आई है, मैं इसको बंद ही कर दूँगी किससे, इसको मैंने इसी में रख दिया है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो इस सेगमेंट में मेरा लास्ट प्रोडक्ट है ये भी टी लाइट होल्डर्स ही हैं और ये वैसे ही हैं जैसे मैंने लोटस वाले आपको दिखाए, मैं एक बार और दिखा देती हूँ।
ये ऐसे ही हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में, इनकी क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है और रेट में भी डिफरेंस है। तो ये होम सेंटर से मंगाए थे मैंने, और ये मैंने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से, और ये मुझे मिले हैं 250 रुपीज़ में 4। तो इस बार कुछ टी लाइट होल्डर्स से मेरा कुछ प्लान है डेकोरेशंस करने का, इसलिए मैंने इतने सारे इकट्ठे किए हैं। तो ये ऐसे हैं, अंदर से ऐसे हैं। इनमें भी आप ना, जब आप टी लाइट कैंडल रखते हो ना, ये बहुत ही सुंदर लुक आता है। इनका जो लुक आता है वो बहुत ही प्यारा आता है। और ये भी कोई भी कॉर्नर डेकोरेट करने के लिए, इवन बालकनी में या बाहर या भगवान जी के पास डाइनिंग टेबल में, मैं क्या क्या ऑप्शन दूँ आपको, बहुत जगह आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। और ये ना मुझे दो कलर में मिले, तो ये 4 हैं, 2 ब्लू 2 रेड हैं। ये रेड वाला है, ये भी मैं आपको खोल के बता रही हूँ। तो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, मतलब 250 रुपीज़ में ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये देखो, ये है आपका रेड वाला, और ये है हमारा ब्लू वाला। आई लाइक इट, लास्ट टाइम भी मैंने मंगवाए थे लेकिन ये मेरे को ब्रोकन आ गए थे तो मैं उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाई थी। इस बार तो ये चारों ही अच्छे आए हैं, तो आई एम सो हैप्पी। तो इनमें से जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं आप मुझे वैसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिन जिन के मुझे मिलेंगे, क्योंकि ये सारा ही सामान मैंने ऑनलाइन लिया है जो अब तक मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोई भी लोकल मार्केट से नहीं है। तो बाकी आप दिवाली में इनको कैसे यूटिलाइज करते हो वो तो अपनी अपनी, हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं ही। और इसके अलावा आपको चाहिएगा तो मेरा आने वाला वीडियो देखिएगा दिवाली डेकोरेशन वाला, वहाँ मैंने इनको कैसे यूटिलाइज़ किया है, वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। बस इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। इसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे शेयर करके बताइएगा आप कौन सी चीज़ परचेज करने वाले हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर फेस्टिवल्स, हैप्पी दिवाली एवरीवन, बाय बाय।